तो हे दी गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के 5 सबसे ताकतवर पोकेमोन के बारे में। तो अगर वीडियो पर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं किसी भी पोकेमोन के पावर को कंपेयर नहीं करूँगा और इस लिस्ट में जो भी पोकेमोन होंगे उन सब को मैं उनके सिर्फ नंबर वाइज कंपेयर करूँगा। और ऐसा नहीं है कि जो नंबर 5 पर है वो नंबर 1 से कम ताकतवर होगा या जो नंबर 4 पर है वो नंबर 2 से कम ताकतवर होगा। सभी पोकेमोन इक्वल हैं, तो इसलिए इस वीडियो को केवल इन्जॉयमेंट के लिए देखो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट पोकेमोन कौन है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट। पोकेमोन एनिमी एक ऐसा एनिमी है जिसे हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं और पोकेमोन एनिमी का मेन कैरेक्टर ऐश कैचम उसे तो हर कोई जानता है। और ऐश ने अपनी जर्नी के दौरान जितने भी रीजन को ट्रैवल किया है उन रीजन में उसने बहुत सारे पावरफुल अपोनेंट से बैटल की है और उसके साथ ही उसने बहुत सारे पावरफुल पोकेमोन पकड़े हैं जिन्हें वो अपनी बैटल के दौरान बहुत बार यूज करता है। तो आज हम लोग उन्हीं टॉप 5 पोकेमोन के बारे में बात करेंगे जो कि ऐश की टीम को पावरफुल बनाते हैं। नंबर 5 पर जो पोकेमोन अपनी जगह बनाता है वो है पिकाचू। और पिकाचू पोकेमोन एनिमी का एक पॉपुलर पोकेमोन है और उसके अलावा पिकाचू ऐश का स्टार्टर पोकेमोन भी है जिसे ऐश ने अपने स्टार्टर के रूप में चुना था। और पिकाचू उस समय ऐश की बात बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन बाद में पिकाचू ने ऐश की बात मानना स्टार्ट कर दिया जब उसकी बैटल स्पियरों के ग्रुप के साथ होती है। और उसके बाद तो पिकाचू ने जीत की लाइन लगाना ही शुरू कर दी। पिकाचू ने बहुत सारी बैटल अब तक लड़ी हैं और उनमें पिकाचू ने साबित किया है कि वो एक पावरफुल पोकेमोन है ऐश का और वो हर मैच जीत सकता है। हालांकि वो कुछ बैटल हारा है लेकिन फिर भी उसने बहुत सारी बैटल जीती है और उसने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन के खिलाफ भी बैटल की है। और उसने तो लेजेंडरी पोकेमोन लाटियोस को भी हराया है, टोबायस के लाटियोस को। तो इस हिसाब से पिकाचू हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर अपनी जगह बनाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 4 पोकेमोन के बारे में। नंबर 4 सेप्टाइल। तो गाइस, सेप्टाइल होइन रीजन का ग्रास टाइप पोकेमोन है और उसके अलावा सेप्टाइल होइन का स्टार्टर पोकेमोन भी है जिसे होइन के ट्रेनर अपने स्टार्टर के रूप में चुनते हैं। और ऐश ने अपने सेप्टाइल को तब पकड़ा था जब ये अपने फर्स्ट एवोल्यूशन यानी ट्रिको में था। उस समय ट्रिको एक बड़े पेड़ की रखवाली करता था, उसके बाद ऐश ने इसे पकड़ लिया बैटल करने के बाद। और ट्रिको का जो नेचर है वो ऐसा है कि ट्रिको को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हर मैच जीतने की कोशिश करता है और इसने ये साबित भी किया है। और उसके अलावा इसने ब्राउली के फाइटिंग टाइप पोकेमोन हरियामा को भी हराया है जो कि कितना पावरफुल पोकेमोन था। और फिर वक्त के साथ ट्रिको इवॉल्व हुआ ग्रोवाइल में और फिर ग्रोवाइल इवॉल्व हुआ सेप्टाइल में। और सेप्टाइल बनने के बाद तो इसने जीत की लाइन ही लगाना शुरू कर दी और फिर ये बन गया ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से भी एक। और इसने टोबायस के डार्कराई को भी हराया है जो कि एक मिथिकल पोकेमोन है और उसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी क्योंकि हमें उस एपिसोड में दिखाया जाता है कि टोबायस का जो डार्कराई है उसने अकेले ही सारे ट्रेनर्स को हरा दिया था लीग में और उसके अलावा उसने सारे जिम लीडर्स को भी हरा दिया था। तो आप सोच सकते हो कि उसका डार्कराई कितना पावरफुल था, लेकिन उसके अलावा हमारे सेप्टाइल ने उसके डार्कराई को हराया। तो आप समझ सकते हो कि सेप्टाइल कितना पावरफुल है और ये ऐश के टीम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल पोकेमोन है। तो इसलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पर जो पोकेमोन अपनी जगह बनाता है वो है चारिज़ार्ड। और चारिज़ार्ड को ऐश ने तब पकड़ा था जब ये एक चार्मेंडर था और चार्मेंडर को उसके पहले ट्रेनर डेमियन ने छोड़ दिया था बारिश में और फिर ऐश ने इसे बचाया और फिर चार्मेंडर ऐश का पोकेमोन बन गया। और फिर ऐश ने चार्मेंडर के साथ मिलकर बहुत सारी मैचें लड़ी और उनमें वो जीता। और फिर चार्मेंडर इवॉल्व हुआ चार्मेलियन में और चार्मेलियन ऐश की बात बिल्कुल नहीं मानता था और फिर चार्मेलियन भी इवॉल्व हो गया चारिज़ार्ड में और चारिज़ार्ड भी ऐश की बात नहीं मानता था। लेकिन ऑरेंज आइलैंड पर एक ट्रेनर के पॉलीरेथ के साथ बैटल होने के बाद चारिज़ार्ड बहुत घायल हो गया था और फिर ऐश ने चारिज़ार्ड की देखभाल रात भर की जिसके वजह से चारिज़ार्ड ऐश को अंडरस्टैंड करने लगा और फिर चारिज़ार्ड ने ऐश की बात मानना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐश और चारिज़ार्ड दोनों ने मिलकर बहुत सारी मैचें लड़ी और चारिज़ार्ड ने जोटो रीजन के
पहले जिम लीडर के फ्लाइंग टाइप पोकेमोन पिजियोट को भी हराया जो कि चारिज़ार्ड से बहुत तेज है। और चारिज़ार्ड ने बैटल फ्रंटियर के लेजेंडरी ट्रियो पोकेबर्ड में से एक पोकेमोन को हराया है जो कि एक आर्टिकुनो था। और उसके अलावा चारिज़ार्ड ने जोटो लीग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था हैरिसन के ब्लेजिकन के साथ मैच करके, और उस मैच में चारिज़ार्ड ने लगभग ब्लेजिकन को हरा ही दिया था, लेकिन फिर भी चारिज़ार्ड वहां हार गया। लेकिन चारिज़ार्ड ने ऐसे पोकेमोन को हराया जो कि होइन रीजन का था और उस समय वो अपीयर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी चारिज़ार्ड ने उसे कड़ी टक्कर दी। तो इससे ही आप समझ सकते हो कि चारिज़ार्ड कितना पावरफुल पोकेमोन है। और अब तो ये ट्रेनिंग कर और भी पावरफुल हो गया है चारिज़ेफिक वैली में, तो चारिज़ार्ड हमारी लिस्ट में इसलिए नंबर 3 की जगह डिजर्व करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 पर जो पोकेमोन अपनी जगह बनाता है वो है एश का इंफर्निप, और इंफर्निप एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, और ये एश के वन ऑफ द पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से भी एक है। और एश ने इंफर्निप को तब पकड़ा था जब ये चिमचार था, और चिमचार पहले फॉल का पोकेमोन था, फिर बाद में फॉल ने इसे छोड़ दिया इस वजह से कि चिमचार ताकतवर नहीं था। और फिर एश ने चिमचार को पकड़ा और उसके बाद चिमचार को ट्रेंड कर बहुत पावरफुल बनाया, और फिर ये वक्त के साथ मॉनफर्नो और उसके बाद इंफर्निप ने इवॉल्व हुआ। और इंफर्निप ने इवॉल्व होने के बाद तो इसने बहुत सारी मैचें लड़ी और उनमें वो जीता, और इसने सिनो रीजन के सबसे पावरफुल जिम लीडर वॉकनर को भी हराया उसके जॉल्टियन को। और इसके साथ ही इसकी जो ब्लेज एबिलिटी है वो इसे और भी शक्तिशाली बनाती है। और सिनो लीग में तो इसने कमाल ही कर दिया था, इसने पॉल जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर के आधे से ज़्यादा पोकेमोन को हरा दिया था, और उसके साथ ही इसने पॉल के बेस्ट पोकेमोन इलेक्ट्रोवायर को भी हराया उस मैच में। तो इसीलिए इंफर्निप हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 1 के बारे में। तो नंबर 1 पर जिस पोकेमोन का मैं नाम लेने वाला हूँ वो एक फैन फेवरेट पोकेमोन है और एश के पावरफुल टीम में से भी एक है। तो नंबर 1 पोकेमोन का नाम है ग्रीन निंजा, और ग्रीन निंजा एश के कालोस रीजन के टीम में से एक है, और एश ने इसे कालोस रीजन में पकड़ा था जब ये एक ट्रॉकी था, और ट्रॉकी की भी कहानी बिल्कुल सेम है, इसे भी इसके पहले ट्रेनर ने छोड़ दिया था और फिर बाद में एश ने इसे पकड़ा। और ट्रॉकी को ट्रेन करने के बाद ट्रॉकी बहुत पावरफुल पोकेमोन बना एश का, और उसके बाद ग्रीन निंजा बनने के बाद इसने तो धमाल मचा दिया था सारे मैच में, ये जिस भी ट्रेनर से लड़ता उनके पोकेमोन हरा देता। और इसके अलावा ये एक वाटर और डार्क टाइप पोकेमोन है, और ये कालोस रीजन में स्टार्टर पोकेमोन में से भी एक है जिसे पहले ट्रेनर अपने स्टार्टर पोकेमोन के रूप में चुनते हैं। लेकिन जो एश का ग्रीन निंजा है उसने कुछ अलग बात की, और वो बहुत पावरफुल था, और एश अपने ग्रीन निंजा के साथ बॉन्ड इवॉल्व भी हो सकता था। उसके बाद ग्रीन निंजा बहुत पावरफुल हो जाता था, और इसने अलान के चारिज़ार्ड को भी बहुत अच्छी टक्कर दी और टोबायर के स्पेक्टाइल को हरा दिया। और एश के ग्रीन निंजा ने चैंपियन के भी पोकेमोन से लड़ाई की है, और ग्रीन निंजा के पास बहुत सारे पावरफुल अटैक हैं जिसके वजह से यह अपने अपोनेंट को 2 मिनट में धूल चटा सकता है। तो इसीलिए ग्रीन निंजा हमारी लिस्ट में नंबर 1 डिजर्व करता है। तो गाइस वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट पोकेमोन कौन है एश के टीम में से, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की अमेजिंग ऑसम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड वेट, जाने से पहले अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एम्प्रॉयर फ्लेम को, तो जाओ जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में उससे बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट आएंगे। तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो यार, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।